तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया महादेश का अंतर्गत स्वाधीन देश, देश का नाम जो है सामोआ। दोस्तों ओशिनिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है सामोआ। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सबको जगह करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी होती। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सबको जगह करके हम डिटेल सर कहेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर असल में देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश में जो है कोई भी सेना नहीं है। तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश है जो भारत की प्रतिवेशी देश अफगानिस्तान के साथ जो है रिश्ता अच्छा नहीं रखा है। इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये देश को जो है भारत ने जो है डायलिसिस मशीन अनुदान में दिया था। तो दोस्तों ये देश की मेडिसिन जो है भारत से ही जाता है। और ये देश एक ऐसा देश है, ये देश के हर नागरिक जो है चिकित्सा के लिए जो है इंडिया आता है, न्यूजीलैंड नहीं जाता है। इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी ना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, ओशिनिया महादेश का अंतर्गत एक स्वाधीन देश, जिसका नाम जो है सामोआ, जो बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 167 नंबर पे आ रहा है। हाँ दोस्तों 167 नंबर सबसे बड़ा देश, देश का नाम जो है सामोआ, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 2.831 वर्ग किलोमीटर है इसके टोटल आयतन या एरिया। दक्षिण में जो है अमेरिकन सामोआ, न्यू और पश्चिम में जो है फिजी, टोंगा और बड़ा प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है ये देश, देश का नाम जो है सामोआ। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। ये प्रशांत महासागर है, इसके बिल्कुल बीचों बीच कुछ द्वीप लेकर ये देश स्थित है, देश का नाम जो है सामोआ। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर फिजी आपको नजर में आ जाएंगे, टोंगा, कुक आइलैंड यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, न्यू। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर सामोआ आपको नजर में आ जाएंगे, बिल्कुल साइड में अमेरिकन सामोआ आपको नजर में आ जाएंगे। ये जो है ये देश, इस देश में जो है कुल 18 यहाँ पर आइसलैंड है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, वो देश की राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है आपिया, इस देश की राजधानी। भाषा की बात करें तो सामोआन और इंग्लिश ये देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो ये देश क्रिश्चियन समूह एक देश है, 98% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, आदर्श जो रहता है 2%। यहाँ पर देख लीजिए राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, लेकिन राजधानी में जो है एक नेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है राजधानी से थोड़ा दूर है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, यहाँ पर जो आपको नजर में आ जाएंगे देश की राजधानी आपिया, और आपिया में मौजूद है ये देश की एक यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सामोआ आपको नजर में आ जाएंगे, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश के आज के डेट पे OIAOIM उसका नाम जो है तुइमाले अली भीएस, और इसके पहले जो था उसका नाम जो है तुफुगा इफी। और आज के डेट पे इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है थीमे नाओमी माताफा, और इस देश की आज के डेट पे असेंबली और स्पीकर उसका नाम जो है PLT मासीपाउ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए नेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा दिया हूँ, इसके अलावा इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा, देखा। तो दोस्तों ये देश जो है UN में ज्वाइन हुआ है 15 दिसंबर 1976 में, और ये देश न्यूजीलैंड से शादी हुआ है 1 जनवरी 1962 में। और ये देश में जो है कोई भी सेना नहीं है। 1962 की चुक्ति के अनुसार जो है ये देश को हर समय सुरक्षा देता है न्यूजीलैंड। हाँ दोस्तों न्यूजीलैंड की सेना जो है इस देश को सुरक्षा देता है, और ये देश में जो है पुलिस मौजूद है। हाँ दोस्तों 1300 से ज़्यादा जो है इस देश में पुलिस है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये देश की जो पुलिस है उसके हाथों में जो है उतनी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो शस्त्र नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो है शस्त्र दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ न्यूज़ चैनल में कहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस देश की जो कल्चर बहुत ही अनोखी है, ये भी मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देश न्यूजीलैंड से जो है 2900 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जो है ये देश स्थित है। लेकिन मैं आपको बता दूँ न्यूजीलैंड के साथ जो है ये देश पहले था, लेकिन न्यूजीलैंड से शादी होने के बाद जो है इस देश का नाम कुछ अलग था। मतलब 1997 तक इस देश का नाम था जो है पश्चिम सामोआ, लेकिन इस देश में जो है टोटल 18 आइसलैंड है। और इंडिया के साथ जो है इस देश का रिश्ता बहुत ही गहरा है, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये देश एक ऐसा देश है जिस देश की फॉरेन रिलेशन की लिस्ट में जो है 2 नंबर पे आ रहा है इंडिया। जून 1970 से जो है ये देश और इंडिया के साथ जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है, और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 1983, बांग्लादेश के साथ इस देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है 21 दिसंबर 1983, श्रीलंका के साथ जो है 1 जनवरी 1984, नेपाल के साथ 28 मार्च 2013, जमैका के साथ जो है 26 अप्रैल 2022 में। और यहां पर देखा जाए US की बात तो दोस्तों 14 जुलाई 1971 में, और चाइना के साथ जो है 6 नवंबर ये देश के साथ
चाइना का रिश्ता स्टार्ट हुआ है 1975 में मालदीव के साथ, 2 अगस्त 1993 में बहरीन के साथ जो है रिसेंटली रिश्ता स्टार्ट हुआ है 27 अप्रैल 2023 में, बुल्गारिया से 8 मई 2023 में, भारत से जो है इस देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है 9 मई 2023 में। तो दोस्तों ये देश के साथ रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ किस लिए अच्छी नहीं है ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तो बता दूं इस देश के साथ अफगानिस्तान समेत जो है कुछ देशों के साथ रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि भूटान, ताइवान, पालाऊ, बेलारूस, साउथ ओमियन प्रिंसिमी, सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बोलिविया, वेनेजुएला, पानामा, मॉरिशस, बुरुंडी, रुवांडा, नाइजीरिया और अफगानिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ इस देश का रिश्ता उतनी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान की जो सरकार बदल जाता है और हर सरकार की जो है राय वो अच्छी नहीं होता है अगर हम देखें तो। तो दोस्तों इंडिया के साथ जो है शामोआ का रिलेशन जो है वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन न्यूजीलैंड की जो है राजधानी से जो है इस देश को भारत संचालित करता है और ये देश की जो एक राजदूत भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में मौजूद है। हाँ दोस्तों फॉरन रिलेशन में आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले इस देश की जो पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं और इस देश के नेशनल एंथम हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, देश के नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसके अलावा इस देश के जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश के जो आदर्श वाक्य आपको नज़र में आ जाएंगे, हाँ दोस्तों आदर्श वाक्य आपको नज़र में आ जाएंगे और ऑफिशियल नाम आपको नज़र में आ जाएंगे, शामोआन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो कैपिटल सबसे बड़ा शहर आपको नज़र में आ जाएंगे, आपिया इस देश की राजधानी, सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज आप और देख लीजिए शामोआन और इंग्लिश इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर देख लीजिए धर्म की बात करें, देश जो है क्रिश्चियन श्रमिक देश है, 98% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा इस देश की जो है मौजूदा यहाँ पर देख लीजिए OIAOIM उसका नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ, असेंबली स्पीकर का भी नाम लिख दिया हूँ। पानी की बात करते 0.3% यहाँ पर पीने वाला पानी है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए आपको नज़र में आ जाएंगे टोटल GDP की 881 मिलियन इसकी टोटल GDP, जहाँ पर भारत श्रीलैंड पे है। यहाँ पर कॉलिंग कोड देख लीजिए +685 इस देश की कॉलिंग कोड। इसके अलावा इस देश की अगर पॉपुलेशन की बात करें 210,000 इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन, इसके अंदर इंडियन जो रहता है 2000 से ज़्यादा, क्योंकि कुछ इंडियन यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहा है और कुछ इंडियन यहाँ पर डॉक्टर है और कुछ इंडियन जो है इस देश को सहायता करने के लिए जो है बहुत इंडियन यहाँ पर मौजूद है और पर्यटक भी है। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है ये मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2013 में जो है सामोन प्राइम मिनिस्टर इंडिया सफर किया है, उसके बाद 2013 में जो है मंथ मई में इस देश के फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया आया है। इसके अलावा 2013 में अक्टूबर में न्यू दिल्ली में इस देश के प्रतिनिधि दल आया है और इंडिया के जो प्रतिनिधि दल सितंबर 2014 में जो है इस देश की राजधानी गया था, परिदर्शन भी किया था। तो दोस्तों एक एक हिस्सा इस देश की अहम हिस्सा ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों सामोआ गवर्नमेंट जो है इंडिया से बहुत सारा दबाव जो है वो मंगाता है, क्योंकि मेडिसिन मंगाने की ये एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो है मेडिसिन की जो रेट बहुत ही कम है। हाँ दोस्तों मेडिसिन की रेट जो है बहुत ही कम है और न्यूजीलैंड में जो है सबसे ज़्यादा है, हालांकि न्यूजीलैंड से मंगाता है क्योंकि ये देश जो है न्यूजीलैंड के हिस्सा था। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है OIAOIM उसका इमेज दिखा रही हूँ और प्राइम मिनिस्टर का इमेज दिखा रही हूँ, ये देश की कल्चर दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों इस देश की जो एक टेनिस प्लेयर उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों और ये देश की एक पॉपुलर कल्चर वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश के कितने राज्य हैं, कौन कौन से बड़े शहर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैप के थ्रू, यहाँ पर देख लीजिए आपको नज़र में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों आपको नज़र में आ जाएंगे इस देश की जो लाल जो हिस्सा आपको नज़र में आ जाएंगे वो जो है सड़क है, यहाँ पर देख लीजिए उस देश की मैप में आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश के कितने राज्य है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ जो अच्छा रिश्ता रखा है आपको नज़र में आ जाएंगे। यहाँ पर वो देश ब्लू कर दिया गया है और जो देश सफेद है उस देश के साथ उसने अच्छे रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों ये देश की जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है इंडिया आता है चिकित्सा के लिए, क्योंकि यहाँ की आसपास के देश के अगर जाता है तो दोस्तों वहाँ पर जो है रेट सबसे ज़्यादा है। 2015 से 16 के अंदर दोनों देश के बीच व्यापार जो है 4.68 मिलियन डॉलर, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो व्यापार बढ़ रहा है। इंडिया से ये देश में जो जो चीज़ जाता है वो जो है प्लास्टिक, चीनी, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और इस देश से जो जो चीज़ इंडिया आता है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेटल और प्लास्टिक। कुछ इंडियन यहाँ पर जो है शिक्षक है, डॉक्टर है और पर्यटक है, 2016 की रिपोर्ट ये कहता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2006 में जो है $1,23,000 की जो है डायलिसिस मशीन भारत ने इस देश को दान किया था। 2007 में जो है 3 डायलिसिस मशीन और दान किया गया था। 2009 में भी जो है इस देश
को कुछ सामान दान किया गया था। 2011 में जो है $81 के मेसेज जो है इस देश को दान किया गया था। और इंडिया हर साल इस देश को जो है कुछ अमाउंट जो है अनुदान देता है, क्योंकि ये देश जो है FITIC जो पैसिफिक 14 देशों के अंदर ये देश भी आता है। तो दोस्तों इंडिया जो है इस देश की कुछ यूनिवर्सिटी में जो है बहुत काम किया है और बहुत बड़ा योगदान भी इंडिया की है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ ओशिनिया मदर्स के अंतर्गत एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है शामवा संपर्क, सब कुछ और भी देश के संपर्क की तरह आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल करना कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।